हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यूपी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं प्रोग्राम्स यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, एडिशन ऑफ टू 8-बिट नंबर्स। देखिए, ये सिर्फ एडिशन के प्रोग्राम्स हैं और दोनों के दोनों 8-बिट नंबर है। हमें यहाँ पर प्रोग्राम की शुरुआत करनी है फॉर 8051 माइक्रो कंट्रोलर्स। अभी से बता रहा हूँ कि दोनों के दोनों प्रोग्राम ये असेंबली लैंग्वेज में यानी ALP में ही है, तो यहाँ पर सी लैंग्वेज के प्रोग्राम नहीं होंगे। दीज आर ओनली रिलेटेड विथ ALP। पहला वाला जो प्रोग्राम है कुछ इस तरह से है, एड टू डेटा बाइट्स 50H एंड 60H, स्टोर द रिजल्ट एट मेमोरी लोकेशन 30H। अब देखिए, इस प्रॉब्लम में सबसे पहले तो कोई भी प्रोग्राम सॉल्व करने से पहले यानी शुरू करने से पहले आपको हमेशा प्रॉब्लम क्या है ये जानना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास दो नंबर्स दिए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दो नंबर्स है 50H एंड 60H, हमें इन दोनों के एडिशन करना है और जो रिजल्ट है ये स्टोर करना है 30H इस मेमोरी लोकेशन पे। यहाँ पर 50 और 60 ये वैल्यूज है और 30H ये जो है ये लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तो इस पर से प्रोग्राम जो है, देखिए अगर हमें वैल्यूज़ या फिर नंबर डायरेक्टली यहाँ पर ऐड करना है तो उसके लिए हमें इमीडिएट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहले एडिशन के लिए हमें एक्यूमुलेटर में एक नंबर चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का नंबर प्लस सेकंड नंबर जो रहेगा वो ऐड करते हैं। ठीक है, एक्यूमुलेटर में एक नंबर लेंगे और फिर सेकंड नंबर यहाँ पर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक्यूमुलेटर में हम यहाँ पर 50H ले लेते हैं, तो उसके लिए मुझे मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, कॉपी का इंस्ट्रक्शन हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, मूव ए कॉमा हैश 50H। देखिए, ये जो 50H नंबर है, इस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, तो 50H ये जो नंबर है, अब ये नंबर हो गया, ये स्टोर हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। अब देखिए, एक्यूमुलेटर में 50H आ गया, अब हमें क्या करना है, ये जो 60 है ये यहाँ पर ऐड करना है। तो उसके लिए सिंपली मैं ऐड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करूँगा, ऐड ए कॉमा हैश 60H। देखिए 60H ऐड के साथ हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब रहता है एक्यूमुलेटर के कंटेंट प्लस ये जो 60H नंबर है ये, इन दोनों की एडिशन होगी और रिजल्ट जो है ये एक्यूमुलेटर में यहाँ पर स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली जो रिजल्ट है यहाँ पर एक्यूमुलेटर में आया है, हमें क्या करना है, रिजल्ट चाहिए 30H इस मेमोरी लोकेशन पे। फिर से किसी मेमोरी लोकेशन पर अगर मुझे रिजल्ट या फिर कोई भी वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए मूव इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मूव। अब देखिए, हमारे पास एक्यूमुलेटर ये सोर्स है, रिजल्ट एक्यूमुलेटर में है और डेस्टिनेशन जो दिया है ये 30H है, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड इस्तेमाल करूँगा। इसका मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पर मूव हो जाएंगे 30H में। कुछ भी रिजल्ट आए जो एक्यूमुलेटर के कंटेंट है यहाँ पर 30H इस लोकेशन पे मूव करना है यानी कॉपी करना है। अब हमें क्या करना है, तो सिंपली स्टॉप करना है। स्टॉप करने के लिए 8051 माइक्रो कंट्रोलर असेंबली लैंग्वेज में हमेशा ये आपको लिखना पड़ेगा। देखिए, लूप SJMP AJMP LJMP यहाँ पर कुछ भी रह सकता है, लूप, इसका मतलब क्या है, तो इसी जगह पर रुके रहो, तो इसका मतलब सिंपली रहेगा स्टॉप द प्रोग्राम। ये था फर्स्ट प्रोग्राम। अब हमें करना है सेकंड प्रोग्राम। यहाँ पर देखिए, दो नंबर दिए हैं, दोनों इंटरनल मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है। यहाँ पर 50H और 51H ये इंटरनल मेमोरी लोकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये 50H पे एक नंबर है, हो सकता है ये नंबर कुछ भी है, लेट अस कंसीडर दैट इट इज 10H। और 51H पे दूसरा नंबर है, लेट अस कंसीडर इट एज 20। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों की सम करना है और जो रिजल्ट है, देखिए अल्सो स्टोर द रिजल्ट इन मेमोरी लोकेशन 52H। हमें यहाँ पर रिजल्ट है 52H पे स्टोर करना है। ठीक है, तो रिजल्ट जो रहेगा यहाँ पर, ये रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट हमें 52H पे स्टोर करना है।
रिजल्ट बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है एक्यूमुलेटर में, एक्यूमुलेटर से लेकर हमें इसको 52H पे स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन देखिए एक बात है यहाँ पर कि यहाँ पर प्रोग्राम में हम ऐड इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके साथ ऐड सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता है यहाँ पर कैरी जनरेट है, तो प्रॉपर रिजल्ट अगर हमें लाना है तो ऐड सी यहाँ पर बेटर रहेगा ऑप्शन। ठीक है, प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में भी हम प्रीवियस प्रोग्राम में भी हम एड सी यूज़ कर सकते थे, लेकिन इसमें हम एड सी ही इस्तेमाल करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमें दो नंबर्स लेना है, एक एक्यूमुलेटर में लेना है, उसके लिए फिर से मूव इंस्ट्रक्शन हम यूज़ करेंगे। मूव पहला नंबर जो है ये 50H इस मेमोरी लोकेशन पे है। देखिए डायरेक्टली 50H लिखा है, इसका मतलब है 50H इस मेमोरी लोकेशन का जो डेटा है ये कॉपी हो जाएगा एक्यूमुलेटर में। ये हो गया इसका मीनिंग। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है। न्यू नंबर 50H का एक्यूमुलेटर में आ गया। अब सेकंड नंबर जो है ये देखिए मैंने ऐड सी इंस्ट्रक्शन यूज़ की है, एक्यूमुलेटर का नंबर है 50H में पर का कॉपी हुआ। अब हमें चाहिए 51H में से, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ऐड सी 51H। अब क्या हो जाएगा, 51H का कंटेंट प्लस एक्यूमुलेटर का कंटेंट ये दोनों ऐड हो जाएंगे विथ कैरी। ठीक है, और रिजल्ट जो है ये आ जाएगा एक्यूमुलेटर में। कैरी फ्लैग हो सकता है अफेक्ट हो या फिर ना हो, आपने इस केस में अगर कैरी फ्लैग नहीं इस्तेमाल किया तो भी चलेगा, फिर से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो रिजल्ट है वो कैरी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, बाद में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। तो एड सी यूज़ कीजिए या फिर नहीं कीजिए, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एड सी अगर यूज़ करते हैं तो बेटर रहता है। सिर्फ प्रीवियस कैरी जो है ये क्लियर होना चाहिए, अगर यहाँ पर पहले से वो सेट है तो। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर एड सी अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो सी एल आर सी ये इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं, सो दैट सी की जो वैल्यू है इक्वल टू 0 हो जाए या फिर रिसेट हो जाए। ये ऐड हो गया। अब हमें क्या करना है, हमारा जो रिजल्ट है ये एक्यूमुलेटर में है, एक्यूमुलेटर से हमें इसको 52H इस लोकेशन पे भेजना है। तो एक्यूमुलेटर सोर्स हो गया, 52H ये डेस्टिनेशन हो गया, और इसके लिए फिर से हम मूव इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। और स्टॉप के लिए मैंने अभी बताया था लूप, एस जे एम पी, ए जे एम पी या एल जे एम पी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लूप। हाँ ये देखिए ये लूप जो है ये एक लेबल है, इस लूप की जगह पर आप फिर से कोई और वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ वो इंस्ट्रक्शन में से ना हो, यानी ऑफ कोड ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। फॉर एग्जांपल बहुत से लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्टॉप, एस जे एम पी स्टॉप एंड सो ऑन, ये स्टोर नहीं स्टॉप चाहिए था। और इस इंस्ट्रक्शन का मतलब है एक्यूमुलेटर के कंटेंट 52H पर सेंड करो। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों एडिशन के प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम में यहाँ पर लूँगा सब्ट्रैक्शन का। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।